आज हमारी चटपटी सी रेसिपी है बिरयानी मसाले की और हम ये मिलके बनाते हैं। मेरी वीडियो झटपट हासिल करने के लिए आप मेरा चैनल ईट ऑन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। हाय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सलमान और अपने चैनल ईट ऑन में एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आया हूं बिरयानी मसाले की। तो ये बिरयानी मसाला हम लोग मिलके बनाएंगे, लेकिन अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिल सकें, सबसे पहले मिल सकें। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, जो भी कर सकते हैं ताकि मैं अपने चैनल को और इम्प्रूव बनाऊं, आपके लिए और इंटरेस्टिंग बनाऊं। तो देखते रहिए मेरे साथ ईट ऑन चैनल। चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैं आपको वो आइटम्स बताऊंगा जो रोस्टेड होने हैं, ठीक है। तो रोस्टेड हमने कर लिए हैं, यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ मैं, जिसमें हमने ये 25 ग्राम जो है तकरीबन ये धनिया सीड्स ले लिए हैं, और उसके बाद हमने 15 ग्राम जो है वो हमने शाही ज़ीरा ले लिया है, फिर हमने 10 ग्राम जो है वो नॉर्मल ज़ीरा वाइट ज़ीरा ले लिया है, फिर हमने 3 ग्राम के करीब, या आप छोटी सी देख लें, ये सिनेमन स्टिक्स हैं, दालचीनी ये ले ली हैं। उसके बाद हमने 2.5 ग्राम जो है ये इलायची ली है छोटी वाली, 2.5 ग्राम हमने लौंग ली हैं, और हमने 2 बड़ी इलायची ले ली हैं 2, और 1 से 1.5 पत्ता जो है ये हमने तेज़पात ले लिया है। इन सब को हमने रोस्ट कर लिया है और इनको हम ग्राइंड करेंगे दूसरे मसालों के साथ। ये दूसरे मसाले हैं हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स, वो जो पहले मैंने दिखाए हैं वो रोस्टेड हैं, ये वाले जो हैं ये हमने नॉर्मल वैसे ही लेने हैं। ये रेड चिली, कुटी हुई चिली है, इनको आपने 25 ग्राम लिया है। ये सॉल्ट जो है ये हिमालयन सॉल्ट है, इसलिए पिंक नज़र आ रहा है, ये काफ़ी हेल्दी होता है, आप ये इस्तेमाल करें तो बेटर है, वरना वाइट भी आप डाल सकते हैं। ये भी 25 ग्राम है। 15 ग्राम के करीब हमने आलू बुखारे ले लिए हैं, ये आलू बुखारे आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट में। 10 ग्राम जो है ये हमारा गार्लिक पाउडर है, और 10 ग्राम ही हमारा हल्दी है, टर्मरिक पाउडर। उसके बाद 5 ग्राम जो है वो हमने जिंजर पाउडर लिया है, और 5 ग्राम ही हमने लेमन पाउडर लिया है, लेमन पाउडर भी आपको इजीली अवेलेबल होगा। उसके बाद थोड़ा सा हमने ज़रदा कलर लिया है 1/4 टीस्पून के करीब, इसको कलर देने के लिए। अब हम इनको ग्राइंड की तरफ ले चलते हैं और हम ग्राइंड करेंगे। अब हम इनको ग्राइंड करते हैं। तो देखिए ये मिक्सचर जो है कैसा ज़बरदस्त तैयार हो गया, आपको बिल्कुल बाज़ार वाला लग रहा होगा, लेकिन यकीन माने बाज़ार से भी बेहतर है। और इसकी देखें आप कंसिस्टेंसी, और ये जो आपको छोटी छोटी रॉ फॉर्म में नज़र आ रहे हैं चंक्स, ये रहने चाहिए, आपको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, और इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और आपने आलू बुखारों को अब इसमें मिक्स करना है, मसाले तो हमने सब मिक्स कर दिए हैं, लेकिन अब आलू बुखारों को मैं इसमें डाल के आपके सामने मिक्स करूँगा, ताकि आप उसके बाद इसको हम बॉटल में भर लेंगे और आप इसको रख दीजिएगा। ये देखिए आलू बुखारों को आपने इस तरह मिक्स कर लिया है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, यकीन जानिए। तो इस तरह डालने के बाद अब ये फॉर्म आ जाएगी। जब भी आप इसको इस्तेमाल करें बिरयानी में, तो आप आलू बुखारा 1-2 जो भी आपके टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं अपनी डिशेज में। और इसमें मैं फिर बता दूँ, ये जो 1 चम्मच भर के है, इतना 1 किलो के लिए तकरीबन ये 40 ग्राम होगा, और ये 1 बिरयानी के लिए इनफ़ है, क्योंकि इसमें और भी मसाले जाते हैं हमारी रेसिपी के हिसाब से। क्योंकि जो लोग डब्बे के मसाले यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है वो और चीज़ें अलग से नहीं डालते हैं, इसलिए वो बिरयानी मसाला वहाँ ज़्यादा डलता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम अलग से भी चीज़ें डालते हैं बिरयानी में, तो इसलिए बिरयानी मसाला सिर्फ इतना ही जाएगा 1 किलो के लिए। तो जितनी आपकी ज़रूरत है आप बनाएँ, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बिरयानी मसाले का बताया कि इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि ये चीज़ अगर आप बनाएंगे घर में, तो जाहिर सी बात है लोग जो पैकेट के डब्बों के मसाले जो बनाते हैं उससे उनकी जान छूट जाएगी, जो कि आपको काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं और उनका वो टेस्ट भी नहीं रहता है। तो इसमें मैं एक टिप और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, कि आप लोग जब भी ये मसाले बनाएं या कोई भी मसाले बनाएं, तो वो सिर्फ उतने ही बनाएं जो आपकी ज़रूरत के लिए हों, यानी कि 1 से 2 महीने उनकी मैक्सिमम शेल्फ लाइफ हो, और एयर टाइट कंटेनर में रखें। क्योंकि जब वो मसाले ज़्यादा टाइम के लिए बने रह जाते हैं, तो उनमें कभी कभी फफूंद या कीड़े पड़ जाते हैं,
या उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, उनकी अरोमा सारी निकल जाती है। इसलिए आपने देखा होगा जो पैकेट के डब्बे हैं उसमें वो चीज़ें बंद करके बिल्कुल सील करके इसलिए रखी जाती हैं ताकि उनकी खुशबू को वो बरकरार रख सके, लेकिन उसमें कुछ केमिकल के यूज़ की वजह से वो उसकी खुशबुओं को बढ़ा देते हैं जो कि हम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते। इसलिए हम हेल्दी बिल्कुल अपनी चीज़ें बनाते हैं और सारी चीज़ें हमने अपने घर में ही मसाले बनाने हैं। तो मेरे सारे मसाले बहुत जल्दी आप देखेंगे, पहले की रेसिपीज़ भी इस पर आ चुकी हैं मेरे चैनल पर, आप अगर देखेंगे उसमें एक टमाटो केचप भी है और गरम मसाला भी है, और आज जो है वो हमने ये बिरयानी मसाला तैयार किया है। तो ये आपको हम दिखाएंगे कि हमने कैसे इसकी प्रिपरेशन की है, तो आप इसको प्लीज़ देखिएगा और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बिरयानी मसाला तैयार कर लिया है और आपको इंग्रेडिएंट्स भी उसके सब समझ में आ गए होंगे और आपको प्रिपरेशन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगी होगी इसमें, तो आप लोग इस तरह की चीज़ें घर में अगर प्रैक्टिस करें तो आप लोग ख़ुद भी ये चीज़ें बड़ी अच्छी कर सकते हैं। और आप लोगों को जाते जाते मैं एक चीज़ बता दूं, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप इन्जॉय करेंगे। और इसको किसी तरह की भी बिरयानी में आप डाल सकते हैं, इसको आप सिंधी बिरयानी में डालें, बॉम्बे बिरयानी मसाले में डालें, या किसी भी तरह की बिरयानी में आप इसको डालें, आप इन्जॉय करेंगे। तो आप लोगों को एक दफ़ा फिर मैं ये बताऊँगा कि मेरे चैनल ईटॉन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक नहीं किया है और मुझे कमेंट्स ज़रूर करा करें ताकि मुझे पता चले YouTube पे कि आप लोग क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्या और देखना चाहते हैं। तो चलता हूँ अब, और एक चीज़ और बताऊँगा आपको, अगर आप लोग मुझे YouTube पे देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आप मुझे Facebook पे देख रहे हैं तो आप मुझे लाइक कीजिए और फॉलो भी कीजिए, क्योंकि ये सारे चैनल्स मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाए हैं, जो जहाँ पर आपको दिल चाहे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मेरे वीडियोस को वहाँ देख सकते हैं और मुझे वहाँ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलता हूँ अब, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। खुश रहें, हेल्दी रहें, फी अमान अल्लाह।